मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के एक रिश्तेदार अहमद खान को गिरफ्तार किया है। अहमद खान हत्या हफ्ता वसूली समेत 14 से अधिक मामले में वांटेड था। ठाणे के मुंबरा की शिमला पार्क में नाम बदलकर परिवार के संग रह रहा था। हैदराबाद के ग्लोबल अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक महिला मरीज की मौत हो गई। महिला के रिश्तेदारों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। परिवार वालों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। गुजरात के वडोदरा में ओएनजीसी के वेल में आग लग गई। तेल के कुएं में ड्रिलिंग के दौरान आग लगी जिससे अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी नागरिक इमरान वारसी की आज वतन वापसी होगी। इमरान धोखाधड़ी के आरोप में 10 साल की सजा काटने के बाद रिहा हुए हैं। आज इमरान को वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के अधिकारियों को सौंपा जाएगा। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में। ऊपर से चल रही शीतलहर ने सर्दी में और इजाफा कर दिया। ठंड के साथ ही दिल्लीवासियों को प्रदूषण की मार भी सहनी पड़ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2 से 5 दिन तक घरों में रहने की सलाह दी।